दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे शुरू होने जा रहा है। दिल्ली वाराणसी 865 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा, जो कि दिल्ली से शुरू होगा और नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ से होते हुए वाराणसी तक जाएगा। इस कॉरिडोर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपा है। ये कंपनी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बना रही है और इसी ने मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर का सर्वे किया था। इस कॉरिडोर का सर्वे 13 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और इसमें लाइडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए इसका ग्राउंड वर्क पहले से ही कर लिया गया है और अब बस 13 दिसंबर से हेलीकॉप्टर में इस सेंसर द्वारा इसका सर्वे शुरू हो जाएगा और 3 महीने में इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी और इसमें कितनी लैंड एक्विजिशन करनी है, कितने ब्रिजेस, टनल्स होंगे, वो सब पता चल जाएगा और सबसे ज़रूरी, इसमें कितना खर्चा आएगा। लाइट डिटेक्शन एंड रेडिंग सर्वे, ये एक एडवांस मेथड है सर्वे करने के लिए, जिसमें लेज़र, जीपीएस और 100 मेगापिक्सल के कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है और इस सेंसर को हेलीकॉप्टर में लगाया जाता है। ग्राउंड मेथड से सर्वे करने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं और वहीं पर लाइडार से ये काम 3 महीने के अंदर हो जाता है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सर्वे के लिए इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था और सर्वे 12 हफ्तों में ख़त्म हो गया था। पहली बार इसी प्रोजेक्ट में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था इंडिया में। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल 9 कॉरिडोरों में से है जिन्हें इंडियन रेलवेज प्लान कर रही है इंडिया में, जिसमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। बाकी 6 कॉरिडोर्स हैं, मुंबई नासिक नागपुर HSR, मुंबई पुणे हैदराबाद HSR, दिल्ली जयपुर अहमदाबाद HSR, ये मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर का एक्सटेंशन होगा, चेन्नई बेंगलुरु मैसूरू HSR, दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर HSR, वाराणसी पटना हावड़ा HSR, ये दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर का एक्सटेंशन होगा। तीन महीने बाद जब यह सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी जो भी रिपोर्ट आएगी मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी फॉलो कीजिए।